अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुरुचरण गौतम है। कहाँ से आप? मैं सरकारी नौकर हूँ और आगरा रेलवे में काम करता हूँ। तो ये जो आप बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? मेरा कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये है कि जो भी सामाजिक कार्य होता है उसमें मैं एक सहयोगी की भूमिका रखता हूँ और मैं उसमें सहयोग करता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो बाबा साहब को हम अपना मार्गदर्शक मानते हुए समाज हमसे ये ना कहे। सफलता कितनी मिली आपको इसमें? सफलता ये है कि हमारे जो साथी लोग हैं वो इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या फिरोजाबाद के अंदर जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें जो बच्चे हैं, जवान हैं, जवान लोग हैं और जो लोग पढ़े लिखे हैं, क्या उसमें सब सीख रहे हैं धम को? जी हाँ, इससे पहले 2016 में कार्यक्रम हुआ था, इससे पहले 1995 में हुआ था। आपके पास में फिरोजाबाद जिले में जितने भी धम्मिक लोग हैं, अम्बेडकर लोग हैं, उनका कोई डाटा खाका कोई सिस्टम है पूरे जिले वाइज का? जिले वाइज का इस तरह की हमने एक सूची बनाई हुई है और उसमें जो लोग दीक्षित होते हैं समय समय पर उनकी भी सूची है। और हम इसके आप साप्ताहिक रूप से मिलते हैं? हर हफ्ते कोई कार्यक्रम लगता है या रोज का कोई कार्यक्रम है आपके पास? हमको जितना समय मिलता है, कभी संडे हो या मैं अपना अवकाश लेता हूं। मैं आपके समय की बात नहीं कर रहा, जो आप पूरे फिरोजाबाद में काम कर रहे हैं उसमें कोई आपने ऐसा सिस्टम, ऐसा कोई तरीका बनाया है कि रोज लोग बुद्ध विहार आए, हफ्ते में एक बार मीटिंग हो मोहल्ले मोहल्ले की, या महीने में एक बार शहर की हो या दो महीने में हो, ऐसा कोई साल भर का पूरा कार्यक्रम है? जी हाँ, आगरा में हम आगरा में रहते हैं और आगरा में जब भी हमको मौका मिलता है डेली हम समय बता रहा हूँ सर, आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। मैं आगरा में डेली समय देता हूँ और जब भी मैं अवकाश पर जाता हूँ तो अपने फिरोजाबाद में भी मैं लोगों को बिठाकर और हर रविवार के मैं की बात नहीं कर रहा, मैं सिस्टम जो आपने जिम्मेदारी ली है और जिस काम के आप प्रधान हैं जी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप आगरे में रहते हैं और आगरे के प्रधान हैं, तो क्या आगरे में कोई सेंट्रलाइज सिस्टम ऐसा है जिसमें सारे आगरे के अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट लोग अब तक जुड़ चुके हैं? 70 साल हो चुके हैं आप बाबा साहब के सपनों को पूरा करने जा रहे हैं, देखिए देखिए लोगों ने धोखा दिया है। देखिए बाबा साहब की जो 70 साल हो चुके हैं, मैं उस समय तो मौजूद नहीं था, लेकिन मेरा फिरोजाबाद हो या आगरा हो, मेरा सीधा सा सवाल यह है, क्या आगरे में या फिरोजाबाद में कोई ऐसा सिस्टम है जी हाँ, कि अगर एक कॉल करें तो सारे के सारे लोगों तक सूचना पहुंच जाए और घर परिवार सारे जुड़े हो, हफ्ते में रोज रोज उनका कहीं किसी बुद्ध विहार अम्बेडकर भवन कबीर भवन पर आना जाना हो, हफ्ते में एक आध बार आना जाना हो, नियमित रूप से कार्यक्रम है या जैसे साल दर साल कार्यक्रम लगाते खाली वही है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ सर, ऐसा नहीं है। हर रविवार को बराबर वंदना होती है, लोग बुद्ध विहार में जाते हैं, हमारी बहन बेटियाँ भी जाती हैं और हमारे साथियों की पत्नियाँ भी जाती हैं और हम घर में कोई भी कार्य करते हैं। नेटवर्क मंगल है ऐसी जिसमें आप ये कह सकते हो कि मोहल्ले वाइज या वार्ड वाइज या गांव वाइज आपके पास में सबका डाटा है और आप हर गांव में आपने व्यक्ति नियुक्त किए हुए हैं, कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ आपको अचानक कुछ कहना पड़े या कोई समस्या आ जाए तो आप एक कॉल में एक आवाज में सबको इकट्ठा कर सकें, ऐसा कोई सिस्टम बनाया आपने? इसके लिए हमारे कुछ सहपाठी लोग हैं, वो इसमें काफी अपना समय देते हैं और उन लोगों ने इस तरह के नंबर कलेक्ट किए हुए हैं मेरे पास। तो क्योंकि मैं अभी कितने लोग आएंगे आपके कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में हम लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कम से कम 10,000 लोगों के आने की इसमें संभावना है। क्या 10,000 लोगों को एक साथ जोड़ने का कोई कार्यक्रम इन 3 दिनों में आपने बनाया? नहीं, 3 दिनों में तो नहीं, हम इस कार्यक्रम को पिछले 3 माह से जो हमारे समाज से भी लोग हैं। अगर आप ये नेटवर्क बना देते तो ये जो आप पूरे फिरोजाबाद में और आगरे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो मेहनत बच जाती और खाली आपको जो आपके प्रधान या आपके सचिव या गांव का जो लोग आपने चुने हैं, अगर उन तक आप फोन कर देते कि एक कार्यक्रम है, तो आपका कितना पैसा और समय बचता? आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन जो भिक्खु संघ है हमारा, हमने भिक्खु संघ को इसकी सूचना दी हुई है और इंडिया लेवल पर जो भिक्खु संघ हमारे जो धर्म गुरु कहे जाते हैं, उन भिक्खुओं के द्वारा हमारे उपासकों भारत में हमारे संज्ञान में तो 3 तो मुख्यतः है ही है। आपको लगता है कि भिक्खु संघ भारत में एक ही होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आपने कभी प्रयास किया कि भिक्खु संघ से कि भिक्खु संघ एक ही होना चाहिए? नहीं, भिक्खु संघ पर हम किसी तरह का टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। कौन करेगा फिर इसको? हमारे जो भिक्खु संघ में भी कुछ भिक्खु ऐसे हैं जो उससे खुद स्वयं जो है पीड़ित हैं और वो आप उपासक हैं, आप उनके पोषक हैं, आप उनको भिक्खा देते हैं, आपको लगता है कि संघ के और विनय के नियम के अनुसार अगर एक भिक्खु संघ होना चाहिए और भिक्खु संघ अलग अलग भिक्खु बनाते हैं तो उनको कहेगा कौन? क्या कोई थाईलैंड से आएगा, क्या कोई अमेरिका से कहने आएगा उनको कि आप एक हो जाइए? नहीं, ये बात तो आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन कुछ धम्म की मर्यादाएं होती हैं, जो धम्म में धम्म की मर्यादा है कि संघ एक होना चाहिए, धम्म की मर्यादा है कि धम्म के सारे लोग एक होने चाहिए, धम्म की मर्यादा है कि पूरे भारत में धम्म का एक सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल, धम्म की मर्यादा ये थोड़ी है कि आप 20 संस्थाएं बनाए धम्म की या 20 भिक्खु संघ बनाए, तो धम्म की अमर्यादा हो गई। तो
इसमें भी कुछ शाखाएं हैं, जैसे एक हीनयान होता है, एक महायान होता है, एक वज्रयान होता है, तो अलग अलग जो संप्रदाय रखते हैं बौद्ध धर्म के अंतर्गत भी, बुद्ध धर्म के अंतर्गत। मगर तो, आप आगरे में और जहाँ भी जितने भी अनुयायी हैं या बुद्ध के जितना भी काम है वो तो सारे ही यान वाले लोग हैं। हाँ जी हाँ, तो इसमें संप्रदाय अलग अलग कहाँ से होता है? अभी तो एक ही संप्रदाय में अलग अलग टुकड़े हो रहे हैं, ही यान में 20 टुकड़े हो रहे हैं। नहीं देखिए सर, आगरा की बात मैं कर रहा हूँ, कुछ विसंगतियाँ तो हर जगह रहती हैं, लेकिन जो भिक्खु रहता है वो कोई इस तरह की कार्य नहीं करता, अनैतिक कार्य नहीं करता। विसंगतियों को दूर करने का क्या तरीका है? हम लोग उपासक की क्या उसमें भूमिका रहती है कि वो उसको दूर करे? हम लोग भिक्खु संघ से इस तरह की अरदास करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि आप तरह तरह के भिक्खु संघ ने बनाकर, और अगर वो आपकी अरदास और आपकी रिक्वेस्ट और आपकी दरखास्त को ना माने तो? ऐसा तो नहीं है, जब समाज के लिए जो बैराग्य धारण करता है, तो जिसमें चीवर के टुकड़े बहुत हुए जा रहे हैं और सभी संघ नायक बनने को तैयार है, जबकि संघ नायक का तो कोई पदवी भी नहीं है विनय पीटक में, धम्म में। ये बात आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा है कि कुछ लोग अपनी विचारधारा को अपने स्वार्थ के वसीभूत होकर भी उसमें ब्रांचेस बना लेते हैं। जितना पूरा होता है वो उपासकों से होता है, अगर उपासक स्वार्थ पूरा करना बंद कर दे तो भिक्खु संघ अपने आपकी बात मानना शुरू कर दे। मैं भिक्खु संघ के बारे में ये नहीं कह रहा स्वार्थ, हमारे उपासक संघ में भी कुछ लोग इस तरह के होते हैं। धम्म में भी अगर कोई उपासक स्वार्थी है तो फिर तो मेरे ख्याल में वो उपासक होने के। जी हाँ, बिल्कुल सत्य, आपका वचन एकदम सत्य है, और इस तरह की विचारधाराएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि ज्ञान की कमी होने के कारण भी कुछ लोग। ज्ञान की कमी पूरा करने का तो काम आपका है, आप 3 दिन का सेशन लगा रहे हैं, इसको रोज लगाएं तो ज्ञान का आप मार्ग खोलेंगे, क्योंकि ज्ञान तो आप ही को देना पड़ेगा, कोई बाहर से तो आएगा नहीं। नहीं, मैं धम्म में विश्वास रखता हूँ, धम्म के प्रति पूरी तरह निर्भर हूँ, और धम्म के खिलाफ नहीं जाता, अपने परिवार के लोगों को उसके खिलाफ नहीं जाने देता, और समाज में भी मेरा ये प्रयास है, लेकिन जब मैं पूरे रूप से पूरा समय अपना जब दूंगा तो मैं उसके लिए बड़े लेवल पर प्रयास करूंगा। आपको बहुत बहुत मंगल कामना है, आपने बड़े अच्छे तरीके से क्या बोलते बताया है, हम आपको मंगल कामना देते हैं कि फिरोजाबाद में आपका 3 दिन का कार्यक्रम सुपर डुपर हिट रहे, आप एक नेटवर्क आगरे में और फिरोजाबाद में बना दें, और धम्म के सब लोग एक साथ एक छत के नीचे आ जाएं, सारे भिक्खु संघ आ जाएं। साधु, आपके लिए साधुवाद, और मैं कोशिश करूंगा इस माध्यम से कि हमारे भारत के अंदर जो लोग इसको सुने वो 24 और 25 26 नवंबर को 2019 को सोमवार मंगलवार बुधवार को ये 3 सेशन में चलेगा, और इसमें धम्म यात्रा भी होगी, 3 दिन ये फेरी होगी, 1 दिन टूंडला में होगी, 2 दिन फिरोजाबाद नगर में होगी। मेरा सभी उपासक उपासिकाओं से अनुरोध है और समस्त अम्बेडकर अनुयायियों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और धम्म देशना को सुनकर इस धम्म देशना का लाभ प्राप्त करें, ताकि आने वाली पीढ़ी और परिवार में संस्कार पैदा हों, क्योंकि बुद्ध धम्म और संघ की विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग उन्नति पर आगे जाते हैं, क्योंकि नागपुर इस देश में एक ऐसा जिला है जहाँ के 200 किलोमीटर के क्षेत्र में धम्म के अनुयायी, धम्म में विश्वास करने वालों ने काफ़ी उन्नति की है। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद, साधु साध मंगल हो, कल्याण हो, साधु।